ये एक बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है कि इंडिया, यूएस और जापान के 10 दिन लंबे मालाबार वॉर गेम्स ठीक उसी समय हो रहे हैं जब सिक्किम बॉर्डर के करीब इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने खड़ी है। इंडिया के लिए इन वॉर गेम्स या नेवल एक्सरसाइज कह लीजिए, इनकी टाइमिंग इससे परफेक्ट नहीं हो सकती थी। जब चाइनीज आर्मी इंडिया को हिमालयन रीजन के करीब अग्रेशन दिखा रही है, तो इंडिया ने अपने दोस्त मुल्कों के साथ एक बड़े स्केल पर यह युद्ध अभ्यास करके चाइना के अग्रेशन को नलीफाई कर दिया है। हालांकि यूएस और इंडिया ये कहने से कतराते हैं कि मालाबार वॉर गेम्स चाइना को ध्यान में रख के ऑर्गेनाइज की जाती हैं, मगर साल दर साल ये बात ऑब्वियस होती जा रही है कि चाइना के इंडियन ओशन में बढ़ते दबदबे को काउंटर करने के लिए जापान, यूएस और इंडिया साथ आए हैं। एक खूबसूरत चाइनीज प्रोवर्ब है, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। और यकीनन जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग समय से गुजर रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत धवन और मैं आपका स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम 2017 के मालाबार वॉर गेम्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत कब हुई, व्हाट वाज द बिगिनिंग। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके पीछे यू विल बी क्वाइट फैसिनेटेड टू नो अबाउट दैट। उसके बाद हम जानेंगे कि यूएस, इंडिया और जापान की 2017 की नेवल एक्सरसाइज इतनी स्पेशल क्यों है, इतनी खास क्यों है, चाइना को इतनी एंग्जाइटी क्यों है उसको लेकर, और क्या चाइना की एंग्जाइटी जस्टिफाइड है या फिर चाइना सिर्फ एक रीज़न तलाश कर रहा है इंडिया, जापान और यूएस को क्रिटिसाइज़ करने का, उन पे आरोप लगाने का कि वो रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की जो रिक्वेस्ट थी कि वो भी इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करे, रिजेक्ट क्यों कर दी, आखिर इंडिया को क्या नाराजगी हो गई ऑस्ट्रेलिया से, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पार्ट भी, सो लेट्स बिगिन। एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल यू गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स आउट देयर, स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज पे भारी डिस्काउंट है टिल 21 जुलाई। SSC और बैंक कोर्सेज पे 30% का डिस्काउंट है और UPSC पेन ड्राइव कोर्स पे 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है। हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज खरीदने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली विजिट अस एट studyiq.com। मालाबार नेवल एक्सरसाइज है क्या, ओरिजिन जानने से पहले ये जाना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जब मैं ये कहता हूँ कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, तो मतलब कि तीन देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो तीन देश कौन से हैं, हम रिपीटेडली डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीन देश मालाबार नेवल एक्सरसाइज के परमानेंट मेंबर्स हैं। मतलब कि अब जैसे 2017 की नेवल एक्सरसाइज है, उसमें तीन देशों ने पार्टिसिपेट किया क्योंकि ये परमानेंट मेंबर है, मगर कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी एक दो साल के लिए आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगापुर या फिलीपींस या कोई और देश, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इनिशियली वो एक नॉन परमानेंट मेंबर होगा और बाद में उसको एक परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। ये नेवल एक्सरसाइजेस हर साल हो रही हैं 2002 से। अब इनकी शुरुआत वैसे 1994 में हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा क्या कहानी है अभी, मगर 1994 से 2002 तक रेगुलरली नहीं हुई, हर साल नहीं हुई, बीच में कुछ गैप थे, यूएस को इंडिया से कुछ नाराजगी थी, नाराजगी क्यों थी वी विल डिस्कस दैट एज वेल। तो अभी के लिए देखिए, ये सरकारी भाषा है PIB की कि द प्राइमरी एम ऑफ दिस एक्सरसाइज, हम ऑफकोर्स मालाबार नेवल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, द प्राइमरी एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू इंक्रीज इंटरऑपरेबिलिटी। अब ये मैंने अच्छे से बोल्ड कर रखा है ये वर्ड, ये कई बार को दिखेगा ये वर्ड किसी भी आर्टिकल में, कि ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। और कल को आप अगर कोई एसे लिखते हो या कहीं भी कुछ आप मेंस के आंसर राइटिंग में आप यूज़ करते हो मालाबार का एग्जांपल, तो वहाँ पे आप ये ज़रूर लिखिएगा कि जो उसका प्राइमरी एम है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो है इंटर ऑपरेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। अब आप कहोगे सर समझा तो दो ये है क्या। देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर तीनों देश ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की नेवी फंक्शन कैसे करती है। जैसे यूएस की नेवी ये जानेगी कि इंडियन नेवी की फॉर्मेशन क्या है, हमारा आपस में कम्युनिकेट करने का तरीका क्या होता है, हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, हमारी वॉरशिप्स कैसे आगे बढ़ती हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रीजनल लेवल पर। ऑफकोर्स यहाँ पर जो टॉप सीक्रेट बातें हैं जिससे देशों को नुकसान हो सकता है, वो कभी भी रिवील नहीं होगी, उसके आसपास भी ऐसा नहीं होगा, मगर बेसिक एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि कल को किसी भी रीजन के लिए इन देशों की नेवीज को एक साथ काम करना पड़े तो आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और बिना बात का टाइम वेस्ट ना हो। अब आप पूछोगे कि कब ऐसा टाइम आएगा जब इन तीनों देशों की नेवीज एक साथ काम कर रही होगी। देखो बहुत, अब जैसे जो पूरा इंडियन ओशन रीजन है
वहाँ पर आपको पता है जो सोमालिया की साइड, वहाँ पर पायरेट्स भी होते हैं, तो कई बार उनसे बचाने के लिए किसी शिप को देश आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर कोई नेचुरल डिजास्टर भी आ सकता है, जैसे सुनामी आ गई कल को, श्रीलंका में तबाही होगी, तमिलनाडु में तबाही होगी, उससे निपटने के लिए, उससे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी नेवीज एक दूसरे की सहायता कर सकती है। और ऐसे न्यूमरस और चीज़ें हो सकती हैं जहां पर नेवीज एक दूसरे की सहायता करें, तो उसके लिए इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जानना कि दूसरी नेवी कैसे फंक्शन करती है, वो कैसे मूव करती है, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अब हालांकि ये तो सरकार का वर्जन है ऑन पेपर, मगर हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इस ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। वो क्या हैं उसको पहले समझने से पहले अब आपको बताता हूँ हिस्ट्री कि आखिर मालाबार नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत कैसे हुई। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, द जेनेसिस। मालाबार नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत कब हुई थी, अब ध्यान से सुनना। 1992 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को ये आइडिया आया कि इंडियन नेवी को एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करनी चाहिए US के साथ। अपने आप में एक काफ़ी इनोवेटिव आइडिया था। और अब आप पूछ रहे होंगे कि 1992 में ही ये इनिशिएटिव क्यों छिड़ा गया, क्योंकि ऑफकोर्स 1991 में USSR सोवियत संघ कोलैप्स कर चुका था। सोवियत संघ के कोलैप्स करने के बाद दुनिया भर की जो जियोपॉलिटिक्स थी वो बदल चुकी थी, क्योंकि सडनली दुनिया में जो दो मेजर पावर्स थी उसमें से एक गिर गया था, दूसरी का पूरा डोमिनेंस होने वाला था इस पूरी रीजन में, उस पूरी दुनिया में। तो US नेवी उस वक्त और आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी थी। तो इंडिया ये चाहता था कि अब सोवियत यूनियन गिर चुका है तो कम से कम US के साथ उनकी कुछ हद तक कोलैबोरेशन हो। हालांकि तब भी US के पाकिस्तान के साथ फार बेटर रिलेशंस थे कंपेयर टू इंडिया, जो आज स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी जिस तरीके से मिलते हैं, ऐसा नहीं था उस वक्त। USA वॉज क्वाइट क्लोज टू पाकिस्तान, मगर तब भी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा कि US के साथ हम इंडियन ओशन और जगह भी नेवल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये सुझाव US को भेजा गया 1992 में इंडिया की तरफ से। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि 1992 में US के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज HW बुश। ये जॉर्ज बुश जो हैं, जो ओबामा से पहले प्रेसिडेंट थे, उनके पिता हैं। तो आपको ये भी बात इंटरेस्टिंग लगेगी कि दोनों बाप और बेटे दोनों US के प्रेसिडेंट थे। पिता ने एक टर्म करी और जो इनके बेटे थे उनकी दो टर्म थी ऑफकोर्स। और उसके बाद 1994 में ये जो इंडिया की प्रपोजल थी ये एक्सेप्ट कर ली गई, और पहली बार 1994 में मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुई US नेवी के साथ इंडिया की। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये कि 1994 में बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बन चुके थे। अब इन दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में फ़र्क बहुत बड़ा है कि जॉर्ज HW बुश रिपब्लिकन पार्टी के हैं और बिल क्लिंटन डेमोक्रेट पार्टी के हैं। तो हालांकि इंडिया का इनिशिएटिव था, इंडिया का आइडिया था कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज करनी चाहिए, मगर US ने बहुत होल हार्टेडली इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और इसमें US की दोनों पार्टीज जो शायद ही किसी मुद्दे पर सेम व्यूज़ रखती हैं, दोनों के सेम व्यूज़ थे कि हाँ, इंडिया के साथ US को रिलेशंस आगे अच्छे करने चाहिए। अब यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग बात ये भी मैं बता दूँ कि इंडिया में ऐसा सीन नहीं था। जब PV नरसिम्हा राव जी ने कोशिश करी कि US के साथ इंडिया की एक नेवल एक्सरसाइज हो, मालाबार नेवल एक्सरसाइज उसका नाम देंगे हम, मगर उस वक्त इंडिया के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें जो ऑपोजिशन की जो पार्टीज़ थी, कांग्रेस के ऑपोजिशन में जो पार्टीज़ थी, उन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध किया इसका। क्योंकि उन्होंने बताया कि 1971 में जिस US नेवी के साथ तुम अब नेवल एक्सरसाइज करोगे, यही US नेवी इंडिया को बर्बाद करने निकल गई थी पाकिस्तान को बचाने के लिए। जैसे आपको पता है, जब पाकिस्तान वॉर हारा था 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उस वक्त US ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अलॉन्ग विद यूनाइटेड किंगडम इंडिया की तरफ भेजा था ताकि इंडिया को एंगेज किया जा सके। तो उस वक्त सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की थी। तो यहाँ पर जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ऑपोजिशन में, उन्होंने कांग्रेस का क्रिटिसिज्म किया। तो जैसे US में दोनों पार्टीज की सहमति थी, वैसा इंडिया में नहीं था। मगर तब भी PM नरसिम्हा राव जी को ये आइडिया सही लगा, वो एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको US के साथ अच्छे रिलेशंस की नींव रखनी होगी। और आज आप देख ही सकते हैं कि जो बीज बोया गया था आज कितना बड़ा वृक्ष बन के खड़ा है। अब बात करते हैं 1994 और 2002 के बीच के समय की, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है। देखो, इस समय के दौरान, इस समय के बीच सिर्फ 3 बार नेवल एक्सरसाइज होती है US और इंडिया के बीच। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि सबसे पहली नेवल एक्सरसाइज US और इंडिया के बीच में हुई थी 1994 में।
अब उस समय दोनों देश एक नया इनिशिएटिव ले चुके थे, मगर वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि बिल्कुल हर साल ऐसी नेवल एक्सरसाइज हो। यूएस नहीं चाहता था कि पाकिस्तान नाराज़ हो जाए और जियोपॉलिटिक्स में इतनी तेज़ी से इतना बड़ा परिवर्तन आए। तो बोथ द नेशंस डिसाइडेड टू टेक इट स्लो और 1994 से लेकर 1999 तक सिर्फ तीन एक्सरसाइज हुई, फिर 1998 तक तीन एक्सरसाइज हुई, फिर 1998 में जब इंडिया ने पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यूएसए ने डिसाइड किया कि इंडिया के साथ ऑल टुगेदर नेवल एक्सरसाइज सस्पेंड कर दी जाए, और तो और इंडिया पर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए गए। सो हम ये कह सकते हैं कि बिटवीन 1994 टू 2002, क्योंकि ये एम्बार्गो जो था, ये जो भी आपके लिए सैंक्शंस थे, ये 2002 में हट गया। अब 2002 में क्या हुआ, देखो 2002 में सैंक्शंस हटे और 2001 में 9/11 हुआ था, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक, और उसके बाद से इंडिया ने अमेरिका की वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट किया और यूएस ने इसको रेसिप्रोकेट करते हुए, उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया पे जो भी हमने अभी सैंक्शंस लगाए हैं वो हटा देते हैं और इंडिया के साथ मालाबार नेवल एक्सरसाइज फिर से शुरू की जाएगी। तो 2002 में, एक साल बाद, 9/11 के ठीक एक साल बाद, जब ग्लोबल समीकरण फिर से बदल गए, तो ठीक एक साल बाद नेवल एक्सरसाइज इंडिया के साथ शुरू हो जाती है और 2002 से लेकर 2017 तक हर साल बिना किसी इंटरप्शन के ये नेवल एक्सरसाइज हो रही है। द चाइना फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का। अब मैंने आपको बताया 2002 में मालाबार नेवल एक्सरसाइज फिर से शुरू हो गई थी और 2002 से 2005 तक इस नेवल एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो चाइना को काउंटर करना नहीं था। इट माइट बी वन ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स, मगर मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। मगर 2005 के बाद यूएस और इंडिया की का जो नज़रिया था चाइना को लेकर वो बदल गया, क्योंकि चाइना धीरे धीरे असर्टिव हो रहा था पूरे रीजन में, और जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स थे बोथ इंडिया के और यूएसए के, उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि जिस ट्रैजेक्ट्री से चाइना आगे बढ़ रहा है, आने वाले कुछ सालों में चाइना बहुत ही अग्रेसिवली इस पूरे रीजन में, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडिया के साथ बॉर्डर हो, चाहे वो सी ऑफ जापान हो, वहाँ पर चाइना बहुत ही अग्रेसिवली अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाने की कोशिश करेगा, जो आज 2017 में हो भी रहा है। तो 2005 में ही इंडिया और यूएस ने डिसीजन ले लिया कि इस नेवल एक्सरसाइज को एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा चाइना को काउंटर करने के लिए। तो 2007 में इंडिया और यूएस ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने पहली बार ये नेवल एक्सरसाइज जापानीज कोस्ट, जो है ओकिनावा का एक शहर है जापान में ओकिनावा, उसका जो करीब का जो सी है वहाँ पर ये नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी। अब ये जो रीजन है ओकिनावा का, ये चाइना के की जो टेरिटरी है उसके बहुत ज़्यादा करीब है। तो एक तो ये बात है, दूसरी बात, इस 2007 की मालाबार एक्सरसाइज में सिर्फ इंडिया और यूएस नहीं थे, इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर को भी लाया गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चाइना को सडनली एक शॉक लगा इससे कि पांच देश मिलकर उसकी टेरिटरी के बहुत ज़्यादा करीब नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और चाइना ने इसका बहुत ही कड़ा विरोध किया और इन दो देशों को, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया को, बहुत ही बुरी तरीके से, आप कह सकते हो, डिप्लोमेटिकली धमकाया। ऑस्ट्रेलिया चाइना की धमकी से सबसे ज़्यादा डर गया। क्यों? देखो, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा कोल की खदानें हैं, कोल माइंस हैं, और ऑस्ट्रेलिया पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाए हैं ये अपने कोल को चाइना को बेच बेच कर, क्योंकि चाइना रैपिडली ग्रो कर रहा था, इट नीडेड एनर्जी। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली बस चाइना को कोल एक्सपोर्ट करता था और उससे चाइनीज़ भी कमा रहे थे, ऑस्ट्रेलियंस भी कमा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ये कभी भी नहीं चाहता था 2007 में बिल्कुल भी नहीं कि चाइना को गुस्सा करके, चाइना को नाराज़ करके यहाँ पे जो कोल की जो उसकी बिक्री होती है उस पर कोई फ़र्क पड़े। और मैं पर्सनली मानता हूँ कि इन द लॉन्ग रन ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही ख़राब डिसीजन था, क्योंकि चाइना की धमकी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इमीडिएटली इस नेवल एक्सरसाइज से अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि हम तो भैया चाइना की बात मानेंगे, हमको कुछ इससे, इंडिया, यूएस, इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, हम चाइना के साथ पीस चाहते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि इंडिया ने कभी सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसी है वो इतनी फ्रेजाइल है, इतनी जल्दी चेंज हो सकती है कि एक देश ने डिप्लोमेटिक धमकी दी और अगले दिन वो अपनी पूरी पॉलिसी चेंज कर दे। तो तब से लेकर अब तक
इंडिया बहुत ही केयरफुल रहा है ऑस्ट्रेलिया से एंगेज करने में. आपने कई बार देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स कोशिश करते हैं कि इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाई जाए, इंडिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ाई जाए, मगर इंडिया कोशिश करता है ऐसा ना हो. क्योंकि देखो जियोपॉलिटिक्स में देशों की जो डिसीजन लेने की हिस्ट्री देखी जाती है कि एक डिसीजन पे क्या वो टिकते हैं, क्या एक निर्णय लेने के बाद एक देश उस पॉलिसी के साथ स्टिक करता है. तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड मालाबार एक्सरसाइज से विड्रॉ करने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. ऑस्ट्रेलिया एक अनरिलायबल कंट्री के रूप में देखा जाने लगा इंडिया द्वारा इन टर्म्स ऑफ नेवल एक्सरसाइजेस और भी मिलिट्री एक्सरसाइज के हिसाब से. तो अभी भी 2017 में जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है मालाबार नेवल एक्सरसाइज, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने रिपीटेडली इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि वो भी इसका पार्ट बनना चाहता है, मगर ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री को देखते हुए इंडिया ने सीधा मना कर दिया. क्योंकि इंडिया को पता नहीं है कि इस साल ऑस्ट्रेलिया आए अगले साल चाइना उनको डिप्लोमेटिकली धमका दे, वो फिर से विड्रॉ कर ले. क्योंकि अब आप यहाँ पर यह आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो कि ठीक है सर, वो 2007 का टाइम था, उस वक्त चाइना को कोल की ज़रूरत थी और ऑस्ट्रेलिया कोल एक्सपोर्ट कर रहा था, मगर आज के टाइम में इंडिया जो 2007 का चाइना था, इंडिया 2017 में वैसा मतलब वैसी कंट्री है, एक एनर्जी हंग्री कंट्री है. हम ऑस्ट्रेलिया का कोयला जो है हम उसको इम्पोर्ट कर लेंगे और हम एक बहुत ही बड़ा ट्रेड पार्टनर बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का, उसको चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मगर ऐसा नहीं है. देखो अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की वजह से, उसके अलावा सोलर एनर्जी पर एम्फेसिस की वजह से इंडिया कभी भी ऑस्ट्रेलिया को वो बिजनेस नहीं दे पाएगा जो चाइना ने एक समय में ऑस्ट्रेलिया को दिया था. तो खैर इस ये एक मेन जियोपॉलिटिकल रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया को 2017 में भी इंडिया मालाबार नेवल एक्सरसाइज में इंक्लूड क्यों नहीं करता. अब देखो 2007 के डिबेकल के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर लिया था मालाबार नेवल एक्सरसाइज में अगले साल, तो 2009 में इंडिया और यूएसए ने अपने जो इंटेंशंस थे उसमें कमी नहीं आने दी. वो अभी भी चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने 2009 की जो नेवल एक्सरसाइज थी वो फिर से ओकिनावा के पास रखी, और उस वक्त उन्होंने जापान को बोला कि आप आ जाइए, और जापान ने काफ़ी इसमें अच्छा पॉजिटिव उन्होंने रिस्पॉन्स दिया इसका. और 2011 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, 2014 में भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और फिर ये उस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर था जापान, और 2015 में जापान को मालाबार नेवल एक्सरसाइज का परमानेंट मेंबर बना दिया गया. क्योंकि तब तक जापानीज पॉलिसी मेकर्स ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि चाइना एक बहुत ही अग्रेसिव कंट्री है, जापान की तरफ भी बहुत ही ज़रा वो हॉस्टाइल है, खासकर ये वर्ल्ड वॉर टू में जो जापानीज मिलिट्री ने चाइना के साथ किया था, बहुत सारी एट्रोसिटीज़ इन्फ्लिक्ट की थी चाइना के लोगों पर, उसका वो आज भी एक हिसाब बराबर करना चाहते हैं. तो जापान ने यही सही समझा कि इस नेवल एक्सरसाइज का एक परमानेंट मेंबर बन जाया जाए और इवेंचुअली इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशंस भी धीरे धीरे साल दर साल प्रूव किए जाए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 2017 मालाबार नेवल एक्सरसाइज और चाइना की एंग्जाइटी के पीछे वजह क्या है. चाइना का मीडिया, पहली बात तो देखो, जब मैं चाइना का मीडिया कहता हूँ ना, जब हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ मीडिया बहुत ही और प्रकार का होता है, चाइना में बहुत ही और मतलब बहुत ही और टाइप का होता है. हमारे यहाँ मीडिया में आज़ादी है, आप कुछ भी कह सकते हैं, मुझे ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है. आप टीवी आप सब लोग देखते हैं, आपको पता है, यू कैन से एनीथिंग यू वांट. मगर चाइना में मीडिया डायरेक्टली गवर्नमेंट की सुनता है, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है मीडिया को कि ये तुम बोलोगे, और उसी लाइन को सारा मीडिया यूनिसन में टो करता है. मतलब कि अगर चाइना का मीडिया इंडिया के तरफ हॉस्टाइल एटीट्यूड रखता है, इंडिया के खिलाफ बहुत ख़राब लिखता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी मेकर के माइंड में भी वो बात चल रही है. अब चाइनीज़ मीडिया ने बहुत ही बुरी तरीके से टारगेट किया इस नेवल एक्सरसाइज को, ये कहा है कि चाइना के खिलाफ ये मूव है तीनों देशों का और इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंडिया को बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी, और बिल्कुल कोई रोक टोक के बिना वो बस बहुत ही बड़ी बातें उन्होंने कह दी है, जो आप कह सकते हो जो एक बार को इंडियन मीडिया भी ऐसी बातें नहीं कहता. तो इसकी वजह क्या है. देखो पहली बात तो जिस तरीके की शिप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार की मालाबार नेवल एक्सरसाइज में, वो ह्यूमंगस है अपने आप में, दे आर जायंट्स. सबसे पहले है इंडिया का INS विक्रमादित्य जो हमने रशिया से लिया, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 44,570 का है, अपने आप में एक बहुत ही कमाल का एयरक्राफ्ट कैरियर है. फिर है जापान का 27,000 का हेलीकॉप्टर कैरियर, और जापान के पास एक ज़माने में कमाल के एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में, मगर जब से वर्ल्ड वॉर टू में जापान की बुरी तरीके से हार हुई है तब से उन्होंने एक बहुत ही
पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जो उनको फोर्स करता है कि वो कभी भी ऑफेंसिव वेपनरी नहीं बनाएंगे। तो इसलिए जापान हालांकि बना सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, फंड्स भी हैं, मगर अभी उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी किया है शिंजो आबे ने। उन्होंने जो पीसफुलनेस थी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो काफ़ी हद तक चेंज करी है, मगर आज भी जो पॉलिसी मेकर्स है जापान के, वर्ल्ड वॉर टू को ध्यान में रखते हुए इतना ज़्यादा ऑफेंसिव जो है पोस्चरिंग नहीं करते अपने डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर। खैर एनीवे, तो इनके पास एक हेलीकॉप्टर कैरियर है, और यूएस का फिर आता है जो पूरा सुपरस्टार होगा इस पूरी नेवल एक्सरसाइज का, निमिट्स सुपर कैरियर 1,00,000 टन का। तो दोनों, इंडिया का आप एयरक्राफ्ट कैरियर ले लीजिए और जापान का हेलीकॉप्टर कैरियर ले लीजिए, दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो भी उनका उतना वजन नहीं होता जितना एक यूएस निमिट्स एयरक्राफ्ट कैरियर का होता है। अब देखो, चाइना एक तो इस वजह से बुखलाया हुआ है, उसके अलावा एक और रीज़न ये है कि इस बार की जो नेवल एक्सरसाइज है उसमें जो मेन गोल्स हैं उनमें से एक है सबमरीन हंटिंग। सबमरीन हंटिंग मतलब कि सबमरीन को हंट करना, कि वो कहीं भी अगर पानी के नीचे छुपी हुई है, स्टेल्थ सबमरीन है, तब भी उसको डिटेक्ट करके उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग की जाएगी इस पूरी एक्सरसाइज में। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें चाइना को कहां का खतरा होता है, अलग से मैप में आपको दिखाऊंगा। तो इसमें देखो, इंडिया और यूएसए ने अपने पोसाइडन 8 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है। ये इंडिया ने, ये यूएसए से ही लिया है पोसाइडन। ये बेसिकली एक एयरक्राफ्ट है जिससे आप समुद्र में जो सबमरीन्स हैं उन पर आप निशान लगा सकते हो, उनको आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वो कहाँ पर है। तो उसके अलावा जापान का जो ये हेलीकॉप्टर कैरियर है इजुमो, यहाँ पर भी जो 9 इसके पास हेलीकॉप्टर हैं वो सबमरीन को अटैक करने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर चाइना को ये दिख रहा है कि ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है, इनके और भी ऑब्जेक्टिव हैं, मगर उनमें से एक स्पेसिफिकली टारगेटेड है चाइना की तरफ, वो है सबमरीन हंटिंग। अब मैं आपको जरा मैप में कुछ दिखाता हूँ। देखो, ये है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे यूएस, जापान और इंडिया मिलकर इस वक्त नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बात बता दूँ, इंडिया और चाइना का अगर हम मिलिट्री कंपैरिजन करें तो अगर हम आर्मीज़ को देखें दोनों देशों की, तो लगभग बराबर ही। अगर सिर्फ आर्मी से चाइना अटैक करता है तो उनको कोई विक्ट्री नहीं मिलेगी, ड्रॉ होगा, क्योंकि यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स भी आते हैं रास्ते में, टेरेन भी बहुत उबड़ खाबड़ सी है, तो कुछ इतना किसी भी देश को एडवांटेज मिलेगा नहीं। टैंक्स भी दोनों देशों के पास ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, किसी के पास बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव एज नहीं है। सिमिलरली एयरफोर्स में भी चाइना के पास इतना बड़ा, अभी इतनी बड़ी सुपीरियॉरिटी नहीं है कि बिल्कुल इंडिया को बहुत ही आराम से वो हरा दे। इंडिया विल गिव इट अ टफ कॉम्पिटिशन। एक एरिया है जहाँ पर चाइना ने डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दी है, वो है नेवी। चाइना के पास 30 से ज़्यादा सबमरीन्स हैं और इंडिया के पास उससे मतलब बहुत ज़्यादा कम है, 10 से भी कम है इंडिया के पास सबमरीन्स। अब एक्चुअल नंबर्स क्या हैं कई बार गवर्नमेंट्स बताती नहीं है, मगर सबमरीन्स में बहुत ही बड़ा गैप है चाइना और इंडिया के बीच में। उसके अलावा फ्रिगेट्स भी चाइना के पास ज़्यादा हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है चाइना का लियोनिंग, वो भी विक्रमादित्य से काफ़ी सुपीरियर है, काफ़ी बड़ा है। तो उसकी वजह से इंडिया को बहुत ही कॉशियस रहना होगा। इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कल को चाइनीज़ नेवी इंडिया को अटैक कर ले। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए बात यह है कि चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो उसकी नेवी का है इस वक्त, सबमरीन्स और स्टेल्थ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, उनको काउंटर करना इंडिया सीखे। अब देखो, इंडिया ने इसलिए पोसाइडन ये P-8 जो है USA के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, वो इंडिया ने परचेज किए थे, बहुत ही महंगे एयरक्राफ्ट हैं, हज़ारों करोड़ों के हैं वो। और उससे बेसिकली क्या होगा कि चाइनीज़ सबमरीन्स अगर इंडियन ओशन में आती है यहाँ पर अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में, तो पोसाइडन ऊपर से ही डिटेक्ट कर लेगा कि वो कहाँ पर है, और फिर हमारी फ्रिगेट्स या और तरीके के हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो आराम से, सबमरीन्स एक बार डिटेक्ट हो गई ना तो सबमरीन्स ये मान लीजिए उससे ज़्यादा वल्नरेबल कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही आराम से उसको आप टारगेट कर सकते हो। सबमरीन की जो पूरी ताकत है वो इसी में है कि वो छुपी रहती है, आपको पता नहीं लगता कि अंडर वाटर वो कहाँ पर है। तो सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए इंडिया के पास एक अच्छा एक एयरक्राफ्ट है पोसाइडन। तो उसके अलावा चाइना, देखो चाइना का कंसर्न ये है कि ये है देखो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर, तो इंडिया ये नहीं चाहता कि जो स्ट्रेट ऑफ, ये दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये मलेशिया के साथ में, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का में यहाँ पर कभी कोई अगर दिक्कत आ जाती है तो चाइना के बहुत सारे जो तेल के इम्पोर्ट्स हैं यहाँ से वो ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनर्जी का भंडार है, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यमन, ओमन, इन कंट्रीज़ के पास गैस और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के बहुत सारा भंडार है, वो जो चाइना वो आज भी चाहता है, तो कल को चाइना को सप्लाई चाहिए होंगी तो यहाँ से आ रही होगी, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर दिया अगर किसी ने तो चाइना कुछ कर नहीं पाएगा। तो चाइना ये चाहता है कि इसलिए इंडियन ओशन में उसकी इतनी डोमिनेंस हो
कि कल को स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक करने का कोई सोच भी ना सके, ठीक है। तो ये चाइना का कंसर्न है। तो इंडिया को ये पता है कि अगर ये ऐसे ही नेवल एक्सरसाइजेस ऐसे करता रहता है इन देशों के साथ, तो कल को अगर चाइना स्ट्रेट ऑफ मलक्का में बाय फोर्स कुछ करने की कोशिश करता है या फिर इस पूरे एरिया को हथियाने की कोशिश करता है, तो इंडिया उसका रिस्पॉन्स US और जापान के साथ मिलकर आराम से कर सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए देखिए, ख़राब बात यह है कि 2007 बीत चुका है, चाइना को जितना कोल खरीदना ना खरीद लिया, अब चाइना को भी उतने कोल की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपने कोल के ऊपर बैठा हुआ है कि कोई उसको खरीद ले, मगर अभी भी कोई ख़रीदार नहीं है। मगर ऑस्ट्रेलिया को एक प्रॉब्लम ये है, वो ये है सिक्योरिटी की, क्योंकि चाइना देखिए साउथ चाइना सी के अलावा यहाँ पर जो फिलीपींस सी है वहाँ पर भी अपनी डोमिनेंस बना रहा है, और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर भी डोमिनेंस बना रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ये भी चाह रहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उसको कोई पार्टनर मिले। बट एज आई टोल्ड यू, पुराने डिसीजन जो है ऑस्ट्रेलिया के, वो अभी भी उनको हॉन्ट कर वो अभी भी उनको हॉन्ट करते हैं। 2007 में जो उन्होंने मालाबार एक्सरसाइज के बाद विड्रॉ कर लिया था, उसकी वजह से इंडिया आज भी रेडी नहीं है उनको लेने के लिए। तो ये एक पूरी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है इस पूरे रीजन का। अब बात करते हैं INS जलाश्वा के बारे में। अच्छा ये देखो, एक ये है क्या, ये बेसिकली एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है। मतलब कि इस पर आप 1000 से ऊपर सैनिक आपको कहीं पे ट्रांसपोर्ट करने हैं थ्रू नेवी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप एयरक्राफ्ट नहीं है, हेलीकॉप्टर्स की भी आप लैंडिंग करवा सकते हो, और बहुत सारे इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं। इंडियन नेवी की सेकेंड लार्जेस्ट शिप है इस वक्त INS जलाश्वा। ये देखो, ये जो नाम है आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा सुनने में, अगर आपको संस्कृत नहीं आती, संस्कृत में इसका नाम होता है हिप्पोपोटामस। और ये जो है हमने US से ख़रीदी थी। ये शिप इसलिए भी काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इंडियन नेवी ने सिर्फ आज तक एक ही शिप खरीदी है US से, वो ये है, ठीक है। तो और ये 2005 में ख़रीदी गई थी फॉर $90 मिलियन, और इसको 2007 में इसको कमीशन किया गया था इस नाम से, ठीक है। उसके अलावा फ्रिगेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रिगेट्स देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रिगेट्स होती कैसे हैं और फ्रिगेट का काम क्या होता है। देखो, मॉडर्न नेवीज़ में फ्रिगेट का यूज़ होता है। मान लो जैसे INS जलाश्वा कहीं पर जा रही है या विक्रमादित्य कहीं पर जा रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आप क्या करोगे। विक्रमादित्य बेसिकली है क्या, अपने आप में विक्रमादित्य में इतने सारे वेपन्स नहीं है, वो बेसिकली एयरक्राफ्ट को कैरी करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप किसी एयरक्राफ्ट को अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो बिल्कुल ही आराम से कोई भी उसको मार सकता है, अगर अच्छी नेवी हो तो। तो एयरक्राफ्ट की प्रोटेक्शन के लिए या ऐसे और कोई डॉक, ट्रांसपोर्ट डॉक हो, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको फ्रिगेट चाहिए होती है। तो फ्रिगेट्स का मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, तो पहले तो यहाँ पे काम आती है। उसके अलावा आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जहाँ मैं बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने बार बार सुना होगा चाइनीज सबमरीन्स ने श्रीलंका में डॉक किया, पाकिस्तान में डॉक किया, पाकिस्तान को अब चाइना सबमरीन्स बेच रहा है, पाकिस्तान के बाद भी 6-7 सबमरीन्स हो जाएगी, वो चाइनीज मेड होगी ऑफकोर्स। तो यहाँ पर इंडिया और US और जापान तीनों का फोकस आप देख रहे हो बार बार एंटी सबमरीन पे है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे बार बार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसमें फ्रिगेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया के पास 14 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। इसकी 4 कैटेगरी होती है, ये याद रख लो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 कैटेगरी है, शिवालिक, तलवार, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी। इसमें सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो मॉडर्न और सक्षम कह लो, हाँ सक्षम है, वह है शिवालिक क्लास। ये लार्जेस्ट फ्रिगेट है इस वक्त हमारी इंडियन नेवी में। तो INS शिवालिक जो है ये लीड करती है हमारी इस पूरी क्लास को, और ये पहली स्टेल्थ वॉरशिप थी जो इंडिया ने बनाई थी। स्टेल्थ वॉरशिप मतलब रेडार में इसको पकड़ना बहुत ज़रा मुश्किल है, और चाइना की जो सबमरीन्स है उसको डुबाने में ये काफ़ी हद तक कारगर हो सकती है। बट अगेन, जब सबमरीन्स की तादाद इतनी ज़रा हो जाएगी तो फ्रिगेट्स को भी वो ओवरवेलम कर सकती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। इंडिया के पास बजट की कमी है, चाइना का जो मिलिट्री बजट है, इंडिया का बजट उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इंडिया को बहुत ही टैक्टफुली डिप्लोमेटिक तरीके से एलाइज बनाकर चाइना के सामने एक ब्रेव फ्रंट रखकर आने वाले कुछ डेकेड्स काटने होंगे, जब तक इंडिया भी इकोनॉमिकली उतना बड़ा एक सुपर पावर नहीं बन जाता जितना चाइना है, और फिर इंडिया भी ऑफकोर्स चाइना की तरह लैविशली खर्च कर सकता है अपनी मिलिट्री पे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए इसमें, ऐसी और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।